पहले हमने पर्सनैलिटी की डिफरेंट डेफिनेशंस डिस्कस की थी. दैट इज़ पर्सनैलिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक. पर्सनैलिटी इज़ कंसिस्टेंट ओवर टाइम एंड अक्रॉस सिचुएशन. पर्सनैलिटी जो है ये यूनिक पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट थाट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर के, और उनके कॉम्बिनेशन से जो है टोटैलिटी ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स मेक वंस पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी में जितने भी ट्रेट्स हैं वो स्टेबल हैं एंड कैन बी चेंज ओवर टाइम. थोड़ा वक्त लगता है इनको चेंज होने में. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. फ्रॉइड ने सबसे पहले पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पर्सनैलिटी फॉर्मेशन को डिफाइन किया. ह्यूमन बिहेवियर को हम बहुत से तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च भी की जा सकती है और उसको असेस भी कर सकते हैं. फ्रॉइड की थ्योरी सबसे पुरानी पर्सनैलिटी थ्योरी है, इसको साइकोडायनामिक थ्योरी भी कहते हैं और साइको एनालिटिक मेथड भी कहते हैं. सिगमंड फ्रॉइड वॉज फाउंडिंग फादर ऑफ साइको एनालिसिस. और साइको एनालिसिस जो है इट इज़ अ मेथड यूज टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल इलनेस. सिगमंड फ्रॉइड अपने पेशेंट पे स्टडी करते हुए उन्होंने साइको एनालिसिस मेथड जो है वो बनाया था. ही बिलीव दैट ह्यूमन साइकी इज कंपोज्ड ऑफ थ्री एलिमेंट्स, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो. दीज आर थ्री कंपोनेंट्स दैट मेक वंस पर्सनैलिटी बाय कंट्रोलिंग बिहेवियर. ही ऑल्सो फॉर्मुलेटेड अ मॉडल ऑफ द माइंड एंड एक्सप्लेन्स थ्री पार्ट्स और लेवल ऑफ अवेयरनेस. द कॉन्शियस माइंड कंटेन्स आइडियाज थॉट्स एंड फीलिंग्स विच वी आर अवेयर एंड दिस मेक्स ओनली 10% ऑफ आवर साइकी. इट इज़ कम्प्लीट अवेयरनेस एंड इट इज़ क्लियरली विजिबल एंड अपेरेंट टू द इंडिविजुअल. माइंड का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा जो है वो कॉन्शियस माइंड है, और इससे एक इंडिविजुअल पूरी तरह से अवेयर होता है, जिसमें डिफरेंट आइडियाज़ थॉट्स और फीलिंग्स आ जाती हैं. हर वो थॉट, फीलिंग और आइडिया जिससे हम अवेयर हैं, जो हम जानते हैं, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहेंगे. ये हमारे माइंड का कॉन्शियस हिस्सा होता है और ये सिर्फ 10% होता है. सेकेंड है सब कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस. इट कंसिस्ट ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड बिलीव्स विच माइट टेम्पररीली बी फॉरगॉटन बट कुड बी रिट्रीव्ड ईजिली. वी आर नॉट इमीडिएटली अवेयर ऑफ दिस स्टेट बट इट कैन बी ब्रॉट इन टू द कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड. थोड़ी सी कोशिश के बाद हम इसे अपने कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना सकते हैं. ये हमारी मेमोरीज हैं. 50-60% ऑफ साइकी इज द सब और प्री कॉन्शियस ऑफ माइंड. इसमें हमारी तमाम मेमोरीज मौजूद हैं, जो कि थोड़ी सी कोशिश के बाद आप उनको कॉन्शियस माइंड में ला सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट बर्थडे पार्टी पर आप क्या कर रहे थे, आपको कौन से गिफ्ट्स मिले, ये आपको याद है. थोड़ी सी कोशिश के बाद आप उसको वापस अपने कॉन्शियस में ला सकते हो और आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. द रिमेनिंग 30-40% ऑफ द साइकी इज़ द अनकॉन्शियस माइंड विच इज़ वेल बिलो द सर्फेस ऑफ अवेयरनेस एंड कंटेन्स रिप्रेस्ड मेमोरीज, अनएक्सेप्टेबल अर्जीज एंड ऑल ऑफ आवर प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स एंड डिज़ायर्स. इट इज़ लार्ज invisible submerged part. It contains all kinds of disturbing and emotionally significant ideas and memories and exert a powerful unseen influence on the conscious and preconscious mind. Unconscious mind ko Freud ne different techniques ke through explore karne ka idea bhi diya tha. For example, dream analysis or by free association. इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, वो भी हमारे अनकॉन्शियस का हिस्सा हैं. तो उनको भी अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे बहुत से फोबियाज और एंग्जाइटीज़ को ट्रीट किया जा सकता है. फ्रॉइड डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने पेशेंट्स के अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करते थे और उनमें रिप्रेस्ड और हिडन मेमोरीज़ को एक्सप्लोर करने के बाद उनका ट्रीटमेंट करते थे. फ्रॉइड इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स जो हैं उनके पीछे हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स
होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, जो स्टोर हाउस है उसका बहुत सा छुपा हुआ जो हिडन पार्ट है वो हमारे डेली लाइफ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सो उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने डिस्टर्बिंग बिहेवियर्स को करेक्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिक डिटर्मिनिज्म। साइकिक डिटर्मिनिज्म इज द आइडिया दैट ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट अकर रेंडमली बट इन अकॉर्डेंस विद इंट्रा साइकिक कॉजेज। यानी कि तमाम ह्यूमन बिहेवियर्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं हैं बल्कि इनके पीछे कोई इंटरनल साइकिक रीजंस मौजूद हैं। दीज रीजंस यूजुअली रिमेन हिडन एंड समटाइम्स द इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज अनअवेयर ऑफ देम। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ऑल ह्यूमंस हैव इननेट सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स दैट डिमांड इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। हाउएवर द इंडिविजुअल कैन नॉट ऑलवेज मैनिफेस्ट देम डायरेक्टली। फ्रॉयड ने एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को बैटल फील्ड से कंपेयर किया है। एक इंडिविजुअल अपने इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा अपने इन्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ही रहता है और ये क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे एंग्जाइटी आती है और इस एंग्जाइटी को डील करने के लिए फ्रॉयड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का एक्सप्लेन किया है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज कंसिस्ट ऑफ थ्री सिस्टम्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इट इज़ रूल्ड बाय प्लेयर प्रिंसिपल विच इज़ रियली अनप्रिंसिपल्ड। इट रेफर्स टू द टोटल ऑफ इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स लोकेटेड इन अनकॉन्शियस। इट हैज़ ऑल द इंस्टिंक्ट्स एंड विशेज दैट डिमांड इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी जो कि इट को मोटिवेट करती है उसे लिबिडो कहते हैं। द साइकिक एनर्जी इन द इड that motivates behavior is called libido. It inborn है, unconscious portion हमारी personality का है। इड में हमारे दो तरह के instincts मौजूद होती हैं, life instinct और death instinct. The life instinct which he called eros, it promote positive constructive behavior. Eros जो है ये life instinct है और second जो है वो death instinct है which he called thanatos. It is responsible for aggressive or destructive acts. It को satisfy करने के लिए एक individual जो means use करेगा उसमें first reflex action है और second primary process है। इन दोनों mechanisms को use करते हुए Pleyer principle के according it को satisfy किया जाता है। Reflex action जैसे कि हम सब जानते हैं it is a mechanical process in which the spinal cord takes immediate steps to deal with an emergency. Spontaneous response होते हैं, for example sudden movements हैं, crying loudly, coughing और sucking thumb, ऐसा करने से जो id में tension arise हो रही है उसको easily release किया जा सकता है। Second mechanism और second strategy primary process है, when the individual seeks satisfaction of his wishes in his mind or imagination, building castles in the air exemplifies it. It में तमाम unreal, illogical thoughts होते हैं that relates to only subjective mental state. It inserts the gratification of every impulse, no matter how shameful, immoral or irreligious it may be. So individual reflex action से उसको gratify करेगा या फिर symbolically through primary process उसकी gratification की जाती है ताकि इड की जो टेंशन है उसको रिलीज किया जा सके। सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज ईगो, बट वी विल स्टडी सुपर ईगो फर्स्ट। सुपर ईगो जो है ये मॉरल वैल्यूज़ पे बेस करता है। इड को अपनी तमाम डिज़ायर्स की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। इड इस बात की फिक्र नहीं करता कि कोई भी डिज़ायर किस तरह से फुलफ़िल की जा रही है, चाहे वो ईवल वेज को यूज़ करे लेकिन उसको फौरी तौर पर सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन सुपर ईगो ऐसा नहीं करता। सुपर ईगो जो है ये वैल्यूज़ पे बेस करता है, मॉरल प्रिंसिपल्स पे बेस करता है। पेरेंट्स एंड सोसाइटी टीच एन इंडिविजुअल व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये जो हमारी सुपर ईगो है ये डेवलप होती है, हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी कल्टिवेट करते हैं और इसकी डेवलपमेंट के साथ दो सब सिस्टम्स हैं जो कि डेवलप होंगे, जिसमें
कॉन्साइंस एंड ईगो आइडियल आते हैं. कॉन्साइंस फंक्शंस लाइक अ सेंसर. द इंडिविजुअल फील्स रिग्रेट इफ ही हैपन्स टू कमिट समथिंग इमोरल. जैसे ही कुछ गलत काम हम करते हैं तो हमारा ज़मीर जो है वो हमें रिग्रेट फील कराता है. कॉन्साइंस की वजह से हम गलत कामों से दूर रहते हैं. सुपर ईगो स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन. कॉन्साइंस के बाद ईगो आइडियल है. सेकंड मैकेनिज्म और सब डिवीजन. जब एक इंडिविजुअल उन बिहेवियर्स को कंफर्म करता है जो कि एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं और आइडियल समझे जाते हैं, तो एक इंडिविजुअल में ईगो आइडियल डेवलप होती है जो कि एक पर्सन को आइडियलिज्म की तरफ लेकर जाती है. सुपर ईगो एक परमानेंट सेंसर के तौर पर काम करता है जो कि सिर्फ उन इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने की इजाज़त देगा जो कि हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो. द इट सीक्स प्लेयर एंड सुपर ईगो स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन. नाउ द ईगो टेस्ट्स रियलिटी. ईगो इट और सुपर ईगो में बैलेंस मेंटेन रखती है रियलिटी टेस्टिंग की बेस पे. इट जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल और फौरी तौर पर ग्रेटिफिकेशन चाहिए चाहे ईवल मेथड्स को यूज़ किया जाए, और सुपर ईगो जो है वो मॉरल वैल्यूज़ पे बेस करती है, टोटली मॉरल और सोशली एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर्स हैं उन पे फोकस करती है. ईगो इन दोनों में बैलेंस मेंटेन रखती है. इड और सुपर ईगो में बैलेंस मेंटेन करना ईगो का काम है. ईगो ने रियलिटी प्रिंसिपल्स की बेस पे काम करना है. इड और सुपर ईगो दोनों की विशेस को रियलिटी टेस्टिंग की बेस पे अप्लाई करना है. ईगो इज़ बेसिकली द सेल्फ ऑफ अ पर्सन. इट इज़ अ कॉन्शियस पार्ट एंड कीप्स पर्सनैलिटी इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस. द ईगो इज़ द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस. It is responsible for organizing ways to get what a person wants in the world. It operates on reality principle. Reality test करते हुए जब तक appropriate conditions नहीं आती, तब जब तक environmental conditions बेहतर नहीं होती, तब तक id impulses की gratification को delay कर दिया जाता है. Two strategies हैं इसमें भी, reality testing and secondary process. Reality testing checks the strategy until the organism can find realistic, practical ways to meet the individual's demand. अगर realistic ways नहीं मिलते तो id की satisfaction को postpone किया जाता है. While through secondary process, ego tries to fulfill the needs of id while protecting the people from harm that might result if they might become aware of their id impulses. Real or logical means के through इड के जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाले इम्पल्सिस हैं उनको विदाउट एनी हार्म टू दैट इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट उसको फुलफिल कर दिया जाता है. समटाइम्स ये तीनों सिस्टम्स जो हैं ये अपोजिशन में आ जाते हैं और पर्सन में एंग्जाइटी प्रोवोक होती रहती है. बट मोर ऑफन इन नॉर्मल पर्सन दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड बिहेवियर.